नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंच में। मेरा नाम ऋषि राजकेश, फिर हम बात करने वाले हैं वोटर कार्ड के बारे में। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कि जो पुराना वाला वोटर कार्ड है वो यहाँ पे वोटर कार्ड उनके पास है और वो चाहते हैं कि जो नया वाला वोटर कार्ड बना हुआ है वो वोटर कार्ड हम अपना यहाँ पे जो मंगवाएं, यानी कि एक डुप्लीकेट जो वोटर कार्ड है वो यहाँ पे मंगवाना चाहते हैं। अब ऐसे में क्या है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास की जो वोटर कार्ड है वो पहले था लेकिन अभी जो यहाँ पे खो चुका है, या फिर वोटर कार्ड यहाँ पे जो फट गया है, या फिर कुछ भी यहाँ पे जो प्रॉब्लम आपके वोटर कार्ड के साथ आ चुका है। तो अभी आप लोग का जो वोटर कार्ड है वहाँ पे आप डुप्लीकेट मंगवा सकते हैं। एक नया वोटर कार्ड आप जो बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन अप्लाई करके अपने घर पर मंगवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो आप लोगों का वोटर कार्ड मिलेगा दोस्तों वो आप लोगों का हाईटेक वोटर कार्ड होगा, यानी कि यहाँ पे जो है बहुत सारा जो सिक्योरिटी फीचर होता है, यानी कि बहुत सारा सुरक्षा का जो फीचर होता है वो आप लोगों को उस वोटर कार्ड में देखने को मिलेगा। और ये एक आप लोगों का बिल्कुल अलग तरीके का जो वोटर कार्ड है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले जो वोटर कार्ड आप लोगों को मिलता था दोस्तों उसमें जो है कुछ भी ज्यादा आप लोगों का यहाँ पे नहीं होता था, कुछ इस तरीके का पहले आप लोगों का वोटर कार्ड मिलता था। लेकिन अब आप लोगों का जो हाईटेक वोटर कार्ड है वो आप यहाँ पे डुप्लीकेट अपना मंगवा सकते हैं, यानी कि अपना एक नया वोटर कार्ड आप यहां पे प्रिंट करवा सकते हैं। अब किस तरीके से आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस तरीके से आप लोगों को वोटर कार्ड मिलेगा, सब कुछ मैं आप लोगों को यहां पे जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो नया वोटर कार्ड मंगवाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने गूगल में टाइप करना होगा YTDC। आप यहाँ पे जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में टाइप करना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे चले आना है। उस पर थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट और सरकारी योजना का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को सरकारी योजना में चेक करना है हाईटेक वोटर कार्ड डाउनलोड, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। उस पर आपको नीचे करना है, यहाँ पे मैंने पूरा जानकारी दे रखा है, आपको सबसे नीचे चले आना है। यहाँ पे आप देख पा दोस्तों फॉर हाईटेक वोटर कार्ड डाउनलोड, तो क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। इसे आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोग का जो पोर्टल है वो आप लोगों का ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे NBSP का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप क्लिक हेयर पे क्लिक करके जा सकते हैं और वहां पे भी आप लोग को जो है इसका लिंक देखने को मिल जाएगा, यानी कि इस पोर्टल का लिंक देखने को मिल जाएगा। यहां पे आप देख पाओगे वोटर पोर्टल, तो इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। अब यहां पे अपना मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड है उसको डालकर आप लोगों को लॉगिन करना है। अगर आपने अकाउंट नहीं बना रखा है तो यहां पे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है, क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। यहां पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और आप लोग को एक अकाउंट जो है उसको क्रिएट करना है। कुछ डिटेल आप लोगों का मांगा जाएगा, उस डिटेल को डालकर आप लोग को यहां पे अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लेना है। तो मेरा पहले से अकाउंट क्रिएट है तो मैं आप लोग को आगे यहां पे दिखा देता हूं कि किस तरीके से आप लोग को करना है। अब लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, कुछ इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। यहां पे आप लोग देख पाओगे कहीं पे भी आप लोग का जो रिप्लेसमेंट है उसका आप लोग का ऑप्शन यहां पे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहां पे आपको करना क्या है, करेक्शन इन वोटर आईडी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का ओपन होगा, यहाँ पे ऊपर आप लोग का नाम शो करेगा और यहाँ पे आप लोग को लेट्स स्टार्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब अगर आपके पास पहले से जो वोटर कार्ड नंबर है तो यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। तो मेरे पास वोटर कार्ड नंबर है तो यहाँ पे यस करूंगा। यस करने के बाद यहाँ पे आप लोग का जो वोटर कार्ड का नंबर होगा, जो आप लोग यहाँ पे ईपिक नंबर कहते हैं, उस नंबर को आप लोग को यहाँ पे डालना है और फेच डिटेल पे आपको क्लिक करना है। तो मैं जो यहाँ पे नंबर डाल लेता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो वोटर कार्ड नंबर डाल लिया, डालने के बाद आपको करना क्या है, फेच डिटेल पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार करना है, आप लोग का जो डिटेल होगा वो आप लोग का यहाँ पे शो कर देगा, यानी कि जो वोटर कार्ड आप लोग का डिटेल होगा वो यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे आप देख पाओगे वी हैव फाउंड द रिकॉर्ड फॉर यू, यानी दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग का जो वोटर कार्ड नंबर है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे फाउंड हो चुका है, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोग का यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो दोस्तों आप लोग का पूरा डिटेल यहाँ पे शो कर दिया है कि आपका नाम क्या है, यहाँ पे आप लोग का पिताजी का नाम क्या है, यहाँ पे आप लोगों का जेंडर और सारा कुछ आप लोग का यहाँ पे शो कर दिया है। आपको करना क्या है, सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का शो कर देगा, रीजन फॉर अप्लाइंग फॉर करेक्शन का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे आप लोग जो है किस कारण से अपना यहाँ पे करेक्शन करवा रहे हैं वो आपको डालना है। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, आपको करना क्या दोस्तों, यहां पे आप लोगों को इशू ऑफ रिप्लेसमेंट इपिक विदाउट करेक्शन, तो यहां पे आप लोगों को ये सेलेक्ट करना है। इन दोस्तों यहां पे जो है आप लोगों का जो डिटेल है उसमें
इसमें कुछ भी सुधार नहीं करवाना है, लेकिन आप लोग का जो यहाँ पे वोटर कार्ड है वो आप लोग को रिप्लेस चाहिए, यानी कि दूसरा वोटर कार्ड चाहिए, तो इसलिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन आप लोग को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग को अपना एक मोबाइल नंबर देना होगा, जो भी आप लोग का मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं जो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, रीजन बताना है कि क्यों आप जो है किस कारण से अपना यहाँ पे वोटर कार्ड रिप्लेस करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग का खो गया है या फिर टूट गया है या फिर खत्म हो गया है या फिर आप लोग का जो यहाँ पे गंदा हो गया, कुछ यहाँ पे मैला हो गया, उसके कारण से आप यहाँ पे चेंज करवा रहे हैं, तो आपको जो कुछ भी यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जो कुछ भी सिलेक्ट कर देता हूँ, मैं ये जो है सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग का पूछा जाए कि क्या आपके पास आधार नंबर है, तो अगर आपके पास है तो यस करना है, अगर नहीं है तो सेकेंड वाला आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए मेरे पास आधार नंबर है तो यस करूंगा और यहाँ पे आधार नंबर डालना है। और यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को रीजन लिखना है कि क्यों आप अपना वोटर कार्ड यहाँ पे मंगवा रहे हैं। तो मान लीजिए कि मेरा वोटर कार्ड हमको नहीं मिला है या फिर डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ भी हो गया है, तो उसके कारण से मैं मंगवा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको लिख कर यहाँ पे जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो मैं जो सारा कुछ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो सारा कुछ फिल कर लिया, फिल करने के बाद आपको करना क्या है, सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का शो कर देगा, यहाँ पे आप लोग का पूरा डिटेल शो कर देगा, जो भी डिटेल आपने वहाँ पे भरा है वो डिटेल आप लोग का शो कर देगा। आपको नीचे करना है, यहाँ पे आप लोग का सारा जानकारी रहेगा, आपको नीचे करना है, सबसे नीचे चले आना और यहाँ पे आप लोग को जो है सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पे आपको क्लिक करना है। इसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं, आप लोग का जो यहाँ पे एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और एक आप लोग को यहाँ पे जो है रेफरेंस नंबर है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे एक रेफरेंस नंबर आप लोग को देखने को मिल चुका है, तो इस रेफरेंस नंबर को आप लोग को यहाँ पे रख लेना है, इस बात का आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। और इसी रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप अपना जो यहाँ पे स्टेटस है उसको चेक कर पाइएगा, तो इस रेफरेंस नंबर को आपको यहाँ पे ध्यान से रखना है। तो इस तरीके से आप अपना जो रिप्लेसमेंट अपना वोटर कार्ड है वो नया वोटर कार्ड मंगवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।